हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन जॉल्स क्लासेस दिस आवर सेकेंड लेक्चर ऑन थोरी ऑफ नेचर डिस्कस टूडे द दॉलिट्स ऑफ थोरी ऑफ नेचर सिलेक्शन। तो थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे यहाँ पर अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू तो पहला वीडियो आप देख लीजिए तो उसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आएगा तो चार्ल्स डार्विन जो था इसकी बर्थ हुई थी 1809 के अंदर उसके बाद डाइट इन 1882 तो इसे एक मौका मिला था एक अपॉर्चुनिटी मिली थी इसे टू ट्रैवल इन एच एम एस बीगल इसका पूरा नाम है एच एम एस बीगल जो ये वो था 40 डॉर्न का इन द एच बीगल इट लॉस्ट फॉर फाइव ईयर्स इयर्स, इट स्टार्टेड इन 1831 एंड एंडेड इन 1836. तो यहाँ पे इसने जो सफ़र स्टार्ट किया था वो 1830 के अंदर किया था, 31 के अंदर किया था और ख़त्म जो किया था 1836 के अंदर किया था इस दौरान इसने बहुत सारे प्लेस देखे थे जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो के अंदर आईलैंड ऑफ एटलान्टिक ओशन देखा था इसने वो सबसे फेमस जो इसने देखा था दैट वॉज द गलापेंगो आईलैंडस तो गलापेंगो आइलैंड तो के अंदर इसने बहुत सारे कलेक्शन किए थे वहाँ पर फ्लोराफाना वहाँ की जियोग्राफी उसने भी देखी थी वहाँ पर और बड़े बड़े वहाँ पर उसने टॉर्टाज देखे थे और वहाँ पे वो फिंचज़ भी देखे थे उसने उसके बाद उसने एक अपनी बुक पब्लिश की उस बुक का नाम है ऑन द ऑरिजन ऑफ ऑन द ऑरिजन ऑफ स्पीशीज उसके बाद क्या हुआ जब वो अपनी थोड़ी लिख रहा था तो उस वक्त उसने एक मोनोस्क्रिप्ट रिसीव किया अंदर साइंटिस्ट से उसका नाम था अल्फर्ड रसल वायल्स उसने भी यही कहा था कि ऑकर बाय नेचर सिलेक्शन तो अब दोनों क्या हो गए दोनों का कंसेप्ट मिल गया यहाँ पे क्योंकि अल्फर्ड रसल वैलस जो है इसकी ऑब्जर्वेशन कहाँ की थी उसने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी फ्रॉम द मलाया आर्च पैलेगो से और डार्विन ने अपनी ऑब्जर्वेशन की थी गला पेंगो आइलैंड से की थी तो दोनों का कंसेप्ट दोनों का सेम था ऑकर बाय नेक्स्ट सेलेक्शन तो ये बन गया यहाँ पे को डिस्कवर अब देखेंगे हम द इनफ्लुंस ऑफ डार्विन डार्विन मुतासिर हुआ था बहुत सारे साइंटिस्टों से उसमें से सबसे पहला जो है इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है तो आप पहले देख लीजिएगा जीन बिप्टिस्टा लमार्क प्रपोज द थोरी ऑफ एवल्यूशन इन 1809 के अंदर इसकी थोरी का नाम था थोरी ऑफ इन्हेरिटेंस ऑफ एक्ट करेक्टर्स जिसमें इसने यही कहा था कि जो एनिमल्स होते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम उनके जो करेक्टर्स डेवलप हो जाते वही हो जाते ट्रांसफर टू तो द तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जैसे वहाँ पर हमने देखा था उसकी गर्दन लंबी हुई थी और उसके फोर लिम्स भी लंबे हुए थे बस स्ट्रेचिंग की वजह से और वही करेक्टर्स हो गए थे डिवलप टू द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दैट वाज द एक्यूट करेक्टर्स लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग द एक्यूट एटीन इसने 1809 के अंदर ये थोड़ी दी थी दूसरा जो था चार्ल्स चार्लस ये अ जियोलॉजिस्ट था तो उसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जिसके अंदर इसने लिखा था कि अर्थ इज़ वेरी ओल्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अर्थ इज़ वेरी ओल्ड तो एक पॉइंट भी याद रखोगे आप चार्स लैल जो था इसकी वजह से भी इन्फ्लुएंस हुआ था डार्विन इसने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी क्योंकि ये जियोलॉजिस्ट था जिसके अंदर इसने लिखा था कि अर्थ वेरी वेरी ओल्ड उसके बाद तीसरा जो है ये भी हमने और डिस्कस किया था इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डार्विन के अंदर थॉमस मोल्थस इसने एक ऐसे लिखा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जिसके अंदर इसने कहा था कि पॉपुलेशन जो है इन द जियोमेट्रिकल रेशियो और जो फूड एंड स्पेस जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है इन ए रेशियो के अंदर और चौथा पॉइंट जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिलेक्टिव ब्रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर देखेंगे हम डार ने एक थ्रोरी भी लिखी है थोरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन इससे भी मुतासर हुआ था क्योंकि आपको पता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से आज आप देखते हो कि हेन जो होते हैं वो या कव जो होते हैं दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ना जो होते हैं दे लार्ज दे और जो काउस होते हैं दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ मिल्क तो ये सारे जो आपके पास यहाँ आप बहुत सारे ब्रीड्स देख रहे हो आप क्रॉप्स की वेजिटेबल की बिजनेस की डॉग्स की पोल्ट्री हॉर्स की तो ये सारे जो आए हैं वो आए टू द आर्टिफिशल की वजह से तो इससे भी बहुत ही मुतािर हुआ अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से पॉस्टलेट्स ऑफ डार्म तो हम देखेंगे पॉस्टुलेट्स जो हमारा टॉपिक था तो सबसे पहला पॉस्टुलेट जो है वह है ओवर पॉपुलेशन तो ओवर पॉपुलेशन क्या कह रहा है यहाँ पे कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे इन जियोमेट्रिकल रेशियो के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ इन जियोमेट्रिक रेशियो तो जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो आएगा सिक्सटीन तो यहाँ पे जो इंक्रीज़ हो रहा है वो फास्टली हो रहा है रैपिडली हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज़ तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल्स है यहाँ पर तो नंबर वन जो है पैरामेशम के बारे में तो पैरामेशम जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं एवरी सिक्सटीन आवर्स के अंदर अगर हम देखेंगे एक महीने के अंदर कितने बनाएंगे एक साल के अंदर कितने बनाएंगे इन फाइव इयर्स के अंदर कितने बनाएंगे अगर सारे सर्वाइव होंगे तो ये लार्ज नंबर ऑफ ऑब्सर्विंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका मतलब होता है ये इंक्रीज़ हो रहा है इन जियोमेट्रिक रेशो के अंदर दूसरा जो है वो बैक्टीरिया के बारे में बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं इन एवरी ट्वेंटी मिनट्स के अंदर तो ये भी अपनी पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं एक डे के अंदर कितने करेंगे ये एक महीने के अंदर कितने करेंगे तो यहाँ पे ये रेपिडली इंक्रीज़ हो रहा है यानी कि ज्योमेट्रिकल रेशियो के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पे तीसरा जो है कॉडफिश के बारे में तो कॉडफिश जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मिलियंस ऑफ़ एग्स इन ईयर के अंदर अगर सारे एग्स इसके सर्वाइव करेंगे और डेवलप हो जाएंगे फिश के अंदर तो पूरा एटलान्ट ओशन जो है वो भर जाएगा गॉड फिश के अंदर इन फाइव ईयर्स में तो इसने भी यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्सवरिंग्स प्रोड्यूस किए इन्हें जियोमेट्रिकल रेशो के अंदर उसके बाद है एक और एग्जांपल एलिफेंट के बारे में तो एलिफेंट जो होते हैं वो स्लोवेस्ट बीडर्स होते हैं उनके बच्चे बहुत ही कम होते हैं उनका जो डेस्टिनेशन पीरियड होता है वो एटीन टू ट्वेंटी टू मंथ्स का होता है तो ये ब्रीडिंग कर लेते हैं एट द एज ऑफ थर्टी ईयर्स के अंदर और अपनी लाइफ टाइम के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं सिर्फ छः ही ऑफ स्प्रिंग इनके होते हैं जूरिंग द लाइफ टाइम के अंदर अगर इनके छः ऑफ स्प्रिंग जो है ये सारे सर्वाइव करेंगे तो एक सिंगल पेयर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है वन लैख नाइन्टी थाउजेंड एलिफेंट्स इन सेवन फिफ्टी ईयर्स के अंदर तो एक अच्छी नंबर ही प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पर अगर इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ये ब्रीडिंग करेगा उसके बाद दूसरा कंसेप्ट जो है दैट इज़ फूड एंड स्पेस तो फूड एंड स्पेस जो यहाँ पे है वो इंक्रीज़ हो रहा है इन अर्थोमेटिकल रेशो के अंदर अगर यहाँ पर देखेंगे हम तो यहाँ पे टू प्लस टू एंड टू प्लस टू जो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे वो एट आ जाएगा फोर टाइम्स टू तो एट आ जाएगा यहाँ पर वो यहाँ पर भी हमने टू फोर टाइम्स दिया था मगर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था तो क्योंकि जियोमेट्रिकल रेशो था यहाँ पर तो यहाँ पर सिक्सटीन आ रहा था तो यहाँ पर सिक्सटीन यानी कि ज़्यादा ज़्यादा जा, हो रहा था यहाँ पर यहाँ पे एट ये तो यहाँ पे कम है इसलिए कम है क्योंकि हमें पता है कि जो फूड एंड स्पेस जो होता है वो लिमिटेड ही होता है अर्थ है लिमिटेड स्पेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो लैंड वही है जो पहले ही था इसलिए वो लिमिटेड है तो ये दूसरा कंसेप्ट है डार्विन का अब तीसरा पॉस्टुलेट जो है वह है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए तीन किस्म के होते हैं या तो इंट्रा स्पेसिफिक होगा या स्पेसिफिक होगा या स्ट्रगल विद एनवायरनमेंट के साथ होगा यहाँ पे तो नंबर वन जो है वो है इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रा बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज के बीच में और कंपटीशन होगा स्ट्रगल होगा तो इसी को बोलेंगे हम यहाँ पे इंट्रा स्पेसिफिक तो याद रखोगे यहाँ पे आप कॉम्पिटिशन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ जैसे ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में यहाँ पे होगा कंपटीशन उसको हम कहेंगे इंट्रस्ट स्पेसिफिक लॉयन एंड लॉयन के बीच में टाइगर एंड टाइगर के बीच में यहाँ पे होगा तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेशीज ये बहुत ही ख़तरनाक होता है क्योंकि इसके नीड्स जो होते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो होता है एवरी इंडिजुअल जो होता है उसकी नीड्स सेम होते हैं इसलिए इसको हम कहते हैं इज़ वेरी सिवियर जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल है यंग ट्रीज़ इन फॉर्स्ट देखो फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है जो ट्रीज़ होते हैं वो शेड करते हैं सीड्स और सीड्स जो होते हैं वो बहुत सारे नीचे होते हैं उन क्लस्टर्स के अंदर होते हैं उसमें से कुछ सीड्स जो होते हैं वो पहले ही उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें सफिशेंट सॉयल नहीं मिलता है वहाँ पर मॉइस्चर नहीं मिलता है वहाँ पर खाना नहीं मिलता है मगर कुछ ऐसे भी होते हैं वो सीड्स जो ग्रो कर लेते हैं और वो बन जाते हैं टॉल ब्रांच बिगन टू मिंगल एंड शट आउट लाइट एंड एयर वो बड़े हो जाते हैं वो यहाँ पे कंपटीशन जीत लेते हैं यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे कि जो मेल जेवराज होते हैं वो आप तो आपस में वो फाइट होती है इनकी किस लिए होती है फॉर टेरिटरी के लिए और इंश्योर ब्रीडिंग प्रविलेज़ के लिए होती है यहाँ एक और एग्ज़ाम्पल याद रखना आप जो ग्रिजली बियर्स होते हैं जब वो चले जाते हैं फॉर द हंटिंग ऑफ फिश के लिए उसमें भी उनके बीच में झगड़ा होता है वहाँ पे वो भी इंट्रास्क स्ट्रगल होता है वहाँ पे तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे यहाँ पे जो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल अब दूसरा एग्जाम अब दूसरा टाइप जो है इसका वो है इंटर स्पेसिफ़िक तो यहाँ पे इंडिविजुअल जो होंगे वो डिफरेंट होंगे इट इज़ ए स्ट्रगल बिटवीन ऑर्गनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पेसीज लिविंग टुगेदर मगर वो एक ही साथ रहते हैं एक ही जगह पर रहते हैं एक ही एरिया के अंदर रहते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स ऑफ़ डिफरेंट स्पेशीज कम्पीट फॉर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स मगर इनकी रिक्वायरमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं यानी कि इनका खाना जो है वो एक ही होता है जगह होती है रहने की वो भी एक ही होती है उनका ब्रीडिंग प्लेस जो होता है जहाँ पर रिप्रोडक्शन कर लेते हैं वो भी एक ही होती है इनकी तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप मानो कि एक एरिया होता है जिसके अंदर लीजर्ट लीजर्ट रहते हैं आंट्स रहते हैं स्नैक्स रहते हैं और काइट्स रहते हैं क्योंकि लीजर्ट जो होता है ये फीड करता है आंट्स के ऊपर और लीज़र्स को खाते हैं कौन स्नैक्स खाते हैं और दोनों को लीजर्ड को भी और स्नैक्स को भी खाते हैं काइट्स खाते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे कंपटीशन है फूड के लिए यहाँ पे है तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कि इट कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक क्योंकि यहाँ पे स्पेश सारे डिफरेंट है लीजर आंट स्नैक्स एंड काइट तो ये सारे अलग अलग स्पेशज इनके बीच में यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड द इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर उसके बाद तीसरा जो है इन्वामेंट के साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्ट्रगल करता है इन्वामेंट के साथ क्योंकि इन्वायरमेंट कभी बदल जाता है कभी कभी हीट ज़्यादा होती है कोल्ड होता है लाइटनिंग होती है स्टॉर्म्स होते हैं और आ जाते हैं वार्ग इडक्शन होते हैं या शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर सप्लाई होता है तो वही ऑर्गेज यहाँ पर बच सकता है जो फेस कर सकता है इन कंडीशनस को और जो नहीं फेस करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ता है इन्वामेंट के साथ भी तो यहाँ पे याद रखोगे दिस वाज द थर्ड फॉसुलेट ऑफ द डार्विनिज्म तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के अंदर हमने तीन देखे थे स्ट्रगल तीन किस्म के होते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन द ऑफ द सेम स्पीशीज दूसरा जो था दैट वॉज द इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड थर्ड वन वॉज द स्ट्रगल विद द एन्वायरमेंट के साथ तो स्ट्रगल एग्जस्टेंस के बाद जो नेक्स्ट पॉसुलट जो है वो है वेरिएशन तो वेरिएशन का मतलब है वेरिएशन इज द लॉ ऑफ नेचर एवरी इंडिविजुअल वेरीज़ इन सम रेस्पेक्ट सच एज साइज शेप स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर फ्राम अदर्स ऑफ इट स्पीशीज़ हमें पता है कि जो वेरिएशन होते हैं इसका मतलब होता है कि डिफरेंस होते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स कोई भी इंडिविजुअल सेम नहीं होते हैं अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में भी डिफरेंस होते हैं यहाँ पे हाइट में डिफरेंस है यहाँ पे कलर्स में डिफरेंस होती है यहाँ पे तो इसी को बोलते हैं वेरिएशन तो इट्स लॉ ऑफ नेचर इवन द ऑफ ऑफ द सेम पेरेंट्स आर नेवर एग्जैक्टली अलाइक यदि जो मैं कह रहा था अभी कि जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं सेम पेरेंट के वो सेम नहीं होते हैं क्योंकि उनमें डिफरेंस होती है कलर का होता है डिफरेंस बिहेवियर का होता है साइज़ कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है पर यहाँ पर लिखा है मैंने एक्सेप्ट आइडेंटिकल आइडेंटिकल टिविनस के बगैर क्योंकि आइडेंटिकल टिविनस जो होते हैं वो होते हैं जेनेटिकल, आइडेंटिकल और यहाँ पे याद रखोगे आप आइडेंटिकल टिवेनस जो है यहाँ पे मानोजाइगोटिक है, होते हैं इनफैक्ट, इन एवरी पॉपोलेशन समेबलिटी ऑलवेज एग्जस्ट फॉर आलमोस्ट एवरी हर करेक्टर के लिए यहाँ पर वेरेबलिटी होती है हर एक ऑर्गेज़म के अंदर तो उसके बाद वेरिएशन जो होते हैं वो तीन किस्म के होते हैं हार्मफुल वेरिएशन होता है न्यूट्रल वेरिएशन होता है और यूजफुल वेरिएशन होते हैं हार्मफुल वेरिएशन मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएशन होते हैं ये सूटेबल नहीं होते हैं टू द इन्वायरमेंट के लिए इसलिए जो ऑर्गनिज़म्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं हार्मफुल वेरिएशन तो दिस लीड्स टू एलिमिनेशन तो हार्मफुल वेरिएशन वो होते हैं जिसकी वजह से ऑर्गनिज़म जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है फ्राम द इन्वायरमेंट से इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सेलेक्टिव डिसएडवांटेज क्योंकि यहाँ पे इसको एडवांटेज नहीं मिलता है इसको बोलते हैं यहाँ पे सेलेक्टिव डिसएडवांटेज दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो यूज़फुल होता है यूजफुल मतलब होता है कि इसकी वजह से इनको वेरिएशन की वजह से इनको फ़ायदा मिलता है और ये एग्जिस्ट करते हैं इन द एन्वायॉयरमेंट के अंदर सक्सेसफुल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि इनकी वेरिएशन जो होते हैं वो यूज़फुल होते हैं और उनको सूट करते हैं टू द एन्वायरमेंट के लिए तो इसको यहाँ पर एडवांटेज मिल जाता है जिसको तो बोलते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव एडवांटेज और तीसरा जो होता है वो न्यूट्रल होता है न इसका कोई एडवांटेज होता, होता है न डिसएडवांटेज होता है नी एडवांटेजेस नॉर नीटेज तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हार्मुल और यूजफुल वेरिएशन जो है नेक्स्ट उसको उसका एक्सप्लेन भी करेंगे द फिफ्थ पॉसिबिलिटी इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं याद रखना एक चीज़ कि सरल फिटेस्ट जो है ना ये आइडिया जो है बाय हर्बर्ट स्पेंसर इसी का आइडिया है हर्बर्ट स्पेंसर तो जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं जो ने कहा था ड्यूरिंग स्ट्रगल ड्यूरिंग स्ट्रगल दोज इंडिविजुअल्स

वो फ़ेस नहीं कर पाते हैं इन्वामेंट को क्योंकि उनके पास यूज़फुल वेरिएशन नहीं होते उनके पास हार्मफुल वेरिएशनस होते हैं जो सूटेबल नहीं होते टू द इन्वायरमेंट के लिए और जिनके पास यूज़फुल होते हैं वही फ़ेस कर लेते हैं इन्वामेंट को और जिनके पास हार्मफुल वेरिएशन होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं हार्डशिप इन्वायरमेंट को और वो एलिमिनेट हो जाते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से तो इसी को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो नेचर के हिसाब से चलता है उसे नेचर सेलेक्ट करता है और वही फ़िट होता है ये भी याद रखोगे आप इसलिए इसको बोलते हैं सर्वाइव वही करते हैं जो फिटेस्ट होते हैं और वही बाद में रिप्रोड्यूस करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फ्यू न्यू जनरेशन डार विस्ट्रेट सर्वाइवल ऑफ़ फिटेस्ट बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ लिमार्क जराफ तो यहाँ पे भी डार्विन ने इसको एक्सप्लेन किया है नेचर सिलेक्शन को उसने एग्ज़ाम्पल लिया है लिमार्क जराफ का क्योंकि लिमार ने जो कहा था जराव के बारे में उन्हें कहा था कि जो एनस्टर जराब जो थे उनकी एक ही हाइट थी वहाँ पे उसके बाद क्या हुआ जब वहाँ पे खाना ख़त्म हुआ ग्राउंड के ऊपर तो उन्होंने स्टार्ट किया स्ट्रेचिंग ऑफ द नेक एंड फोर लिम्स आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दन जो है वो लंबी होगी तो ये कहाँ था लिमार्क ने क्योंकि उसकी थोड़ी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्ट करेक्टर्स तो अगर हम हमें पे देखेंगे डारन ने क्या कहा था जराब के बारे में तो यहाँ मैंने जराब दो बनाए हैं इसकी गर्दन जो है शॉर्ट नेकड है स्किल कर दिए यहाँ पर लंबी है तो लॉन्ग नेक, नेक है इसकी यहाँ पे शॉर्ट नेक है यहाँ पे तो इसके हम यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग नेक तो यहाँ मानो कि ये लीव्स है यहाँ पे ज़राफ एंस्टर ज़राफ है नेक ऑफ़ वेरी लंबे द वेरिएशन वेरीडिटी तो ऐन सी जराब जो थे उनकी जो गर्दन की लैंग्वेज जो थी दे वायर वेरीड किसी की छोटी थी किसी के बड़े थे यहाँ पे देखो लंबी गर्दन है इसकी इसकी गर्दन छोटी है यहाँ पे तो इसने डारो ने कहा था कि यहाँ पे सब उनकी गर्दन बराबर नहीं थी क्योंकि लम्बार ने कहा था मगर यहाँ पर इसने कहा था कि वेरिएशन इन द लैंग था तो नेक् मगर ये करेक्टर जो थे इसके ये ट्रांसफर होते थे टू द नेक्स्ट जनरेशन के क्योंकि दे दिखाते थे देवर हेरीटिटी उसके बाद क्या हुआ The long-necked giraffe were found to be more suitable to obtain foliage from the trees. From the trees, from the trees. देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो पहले जो जराफस थे पहले, they were eating the grass on the ground के ऊपर खा खा देते पहले दोनों उसके बाद क्या हुआ इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो यहाँ पे जो ग्रास प्रेजेंट थे ये यह यहाँ पे ख़त्म हुआ अब जो खाना प्रेजेंट है दे आर प्रेजेंट ऑन द टॉल ट्रीज़ के ऊपर प्रेजेंट है यहाँ पे अब दोनों में से ये दोनों जो यहाँ पे इनकी लेंगत जो है नेक की वो यहाँ पे वेरी करती है अब इसके पास शॉर्ट नेक है क्योंकि यहाँ पर ये यह टच नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी गर्दन जो है वो छोटी है तो यहाँ पर ये यह पूछ नहीं सकता ट्वीट द लिवस मगर इसके पास यहाँ पर सूटेबल वेरिएशन है तो यहाँ पे इसके पास लॉन्ग नेक है तो ये है यहाँ पे यूजफुल वेरिएशन तो ये अपनी गर्दन को लंबा कर, कर लंबा कर सकता है और लीव्स खा लेता है तो यहाँ पे इसके पास यहाँ पे यूजफुल वेरिएशन नहीं तो यहाँ पे हम कहेंगे यहाँ पे जो वाला है लंबा वाला जो है इसके पास सूटेबल वेरिएशन से खा सकता है फॉलेज ऑफ द ट्री देर फोर कॉम्पिटिशन एंड नेचर सिलेक्शन लीड्स टू द सर्वाइवल ऑफ लॉन्ग नेक्ड इंडिविजुअल जो हमने पहले ही कहा था कि पे वेरिएशन जो होते हैं उसकी वजह से मिलती है एडवांटेज मिलता है वहाँ फ़ायदा मिलता है क्योंकि इसे फ़ायदा मिला इसने लीव्स खाए तो इसका सर्वाइव ये सर्वाइव कर लेता है तो आगे जाके इसकी नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसके पास भी लॉन्ग नेक्स होंगे क्योंकि पहले हमने कहा था कि वेरिएशन जो होते हैं वेरिएशन वायर हेरिडिटी ये ट्रांसफ़र होते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अब जो यहां पे दूसरा जराब जो है इसके पास शॉर्ट नेक है क्योंकि इसके पास जो है वो हार्मफुल वेरिएशन है इसलिए ये वाला जो है ये हो जाता है एलिमिनेट एलिमिनेटेड हो जाता है और रूटेड आउट हो जाता है क्योंकि ये लीव्स नहीं खा सकता उसकी वजह से मर जाता है मगर यहां पे इसको फायदा मिलता है क्योंकि इसके पास यहां पे यूजफुल वेरिएशन है ओनली लॉन्ग नैट जराफ्स सर्वाइव तो यहाँ पर क्या हुआ लास्ट पर लॉन्ग नैट जराफ्स जो है उनने सर्वाइव किया उसके बाद इनके करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो गए टू तो द नेक्स्ट जनरेशन और आज हम देखते हैं कि आपके पास आप जो जराफ़ आज देखते हो उनके पास लॉन्ग नैस होते हैं और ये वाले ख़त्म हो चुके हैं तो ये कहाँ था किसने डारेन ने इसी को बोलते हैं हम थोरी ऑफ़ नेचर सिलेक्शन का ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जहाँ इसको बोलते हैं नेचर सिलेक्शन क्योंकि इसको यहाँ पे कुदरत ने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि ये कुदरत के हिसाब से चला क्योंकि इसके पास लॉन्ग नेक था प्रेजेंट अब नेक्स्ट प्रक जो है वह है इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल वेरिएशन तो इनिटेंस ऑफ यूज वेरिएशन क्या कह रहा है यहाँ पे द इंडिविजुअल्स आफ्टर दियर सिलेक्शन बाय द नेचर इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस पास ऑन देयर यूजफुल वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन सीधी सी बात है कि जब इनका सिलेक्शन हुआ बाय द नेचर से तो उसके बाद ये बच जाते सर्वाइव करते हैं उसके बाद इनके जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं यूजफुल वेरिएशन इनके पास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर हम बात करेंगे जरा की बात करेंगे तो उसके पास यूजफुल वेरिएशन क्या थे लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग फोर लिम्स थे उसके पास तो वही करेक्टर हो जाते हैं ट्रांसफर टू तो तो द नेक्स्ट जनरेशन इसी को बोलते हैं इन्हेरीटेंस इन्हेरिट हो जाना ऑफ यूजफुल वेरिएशन दिस वॉज द पास नंबर सिग्स उसके बाद नेक्स्ट पासलेट जो है दिस इज द लास्ट पासलेट दैट इज़ द ऑरिजन ऑफ स्पीशीज जब करेक्टर्स ट्रांसफर हो जाते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आटोमेटिकली वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो नैज स्पीशीज बन जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल नेचर And inheritance. The successive generation tend to become better adapted to the changed environment. These adaptations are preserved and accumulated in the individual of the species, and ultimately leads to the origin of new species from the old one. Because the old one, here, were two One was long, and the other was small. the ones were small were there, were eliminated. और जो लंबे वाले जो है उनने अपने करैक्टर्स ट्रांसफ़र किए टू तो द नेक्स्ट जनरेशन और फिर नेक्स्ट जनरेशन ने उसके बाद क्या हुआ जो नेक्स्ट जनरेशन में ने बनी वो बनी न्यू स्पेशज़ क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो थे गर्दन की वो एक ही कस्म की है दैट इज़ अ लॉन्ग नेक और बाकी जो थे वहाँ पर शॉर्ट नेक वाले वो सारे यहाँ पे ख़त्म हो गए तो दिस इज द दरिजिन ऑफ न्यू स्पेश तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है पॉस्टिलिट ऑफ डार्विनिज्म और दोरी ऑफ नेचर सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं तो इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एविडेंस ऑफ थोरी ऑफ नेचर सिलेक्शन